नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। मोदी जिनपिंग की मुलाकात से बौखलाया इमरान खान। भारत ने कहा, हमारे अंदरूनी मामलों से दूर रहे पाकिस्तान। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे राहुल गांधी। यूपी दौरे पर जा सकती हैं प्रियंका गांधी। 5 लाख कर्मचारियों को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने का लिया फैसला। फ्रांस में राफेल की शस्त्र पूजा पर मल्लिकार्जुन का बयान, कहा यह पूजा नहीं तमाशा है। लाइव डिबेट के दौरान रिटायर्ड जनरल मेजर पर भड़के पैनलिस्ट, कहा आरएसएस की विचारधारा रखिए अपने पास। समुद्री तूफान की अब समय से पहले मिलेगी जानकारी, केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री ने जारी किया उपकरण। अब दूसरे नेटवर्क पर आउटगोइंग के लिए जियो वसूलेगा 6 पैसे प्रति मिनट। 10 अक्टूबर से नियम लागू। कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ चुके आचार्य प्रमोद का बेतुका बयान, राफेल पूजा पर उठाए कई सवाल। बिहार बाढ़ त्रासदी को लेकर आगे आए महानायक अमिताभ बच्चन, सीएम राहत कोष में दिए 51 लाख रुपए। आर्थिक मंदी के कारण वैश्विक स्पर्धा में 10 पायदान नीचे लुढ़का भारत। अमेरिका से भी आगे निकला सिंगापुर। ईडी के सामने पेश हुए जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे, का चिदम्बरम को दशहरा की बधाई देने आया था। शहला रशीद ने चुनावी राजनीति से दिया इस्तीफा, 7 माह पहले ही ज्वाइन की थी JKPM पार्टी। क्षेत्रीय दलों में सबसे अमीर है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। नीतीश की JDU की संपत्ति 1 साल में हुई 4 गुनी। महाराष्ट्र चुनाव में SC/ST वोटों पर है अमित शाह की नजर। 5 साल में 1.5 गुना बढ़ी है रिजर्व सीटों पर जीत। JNU में लागू हुआ नया नियम, JNU प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन या नारेबाजी करने पर यूनिवर्सिटी से किया जाएगा बाहर। भारतीय रेलवे ने रद्द की 229 ट्रेनें। इंडियन रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं रद्द ट्रेनों की लिस्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति पार्टी जारी करेगी घोषणा पत्र। कांग्रेस ने बना रखी है आकर्षक योजनाएं। कांग्रेसी घोषणा पत्र में 10 रुपए की थाली, बेरोजगारों को 10,000 प्रति माह भत्ता, राज कारखानों में 50% नौकरी देने जैसी योजनाएं शामिल। बिहार में BJP और JDU में तकरार। पटना में रावण दहन के दौरान मंच पर अकेले दिखे नीतीश कुमार। बीते 10 दिनों में उत्तराखंड में सत्ताधारी BJP ने 96 नेताओं को पार्टी से किया बाहर, विधायक को भी थमाया नोटिस। पत्नी ने शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो युवक ने 16 दिन की बेटी को जमीन पर पटक कर ली जान, बिहार शेखपुरा के कुरौनी गांव का है मामला। भारतीय रेलवे ने त्योहार को लेकर यूपी बिहार के लिए चलाई विशेष ट्रेनें, यात्रियों को परेशानियों से मिलेगी राहत। दुर्गा पूजा मेला देखने गई 2 नाबालिग से 4 दरिंदों ने किया गैंगरेप, बिहार के सुपौल की है घटना। भागलपुर में भक्तों ने मां दुर्गे को नम आंखों के साथ दी विदाई, सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपने आसपास के खबरों के लिए बने रहिए सिल्क टीवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।